हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ एनुअल एग्जाम के लिए भी। कहीं कहीं तो मैंने सुना है कि प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं और ज्यादा प्री बोर्ड्स लिए जाएंगे क्योंकि मई में एग्जाम्स है आपके। तो प्री बोर्ड के लिए आपके स्कूल्स में भी यदि प्री बोर्ड हो रहे हैं तो हम प्री बोर्ड के प्रिपरेशन पर भी कुछ वीडियोज और डालेंगे अभी। हम क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं, नियर बाई ही हैं, तो मैं उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट स्टेप बताना चाहती हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। आर यू सीरियस अबाउट योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स और नॉट? यदि आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स मिले और आपकी कैपेबिलिटी के बेस पर मिले, ना कि कुछ आप तिगड़म लगाते रहे कि चलिए कहीं से कुछ जानकारी निकाल लेते हैं, एग्जामिनर कहाँ से आ रहा है, या चलो हम टीचर को इम्प्रेस कर लेते हैं, या प्रिंसिपल मैम से कुछ बात सोर्स लगवा लेते हैं, यहाँ वहां से हम बात कर लेंगे। उनके अलावा यदि आपको लग रहा है कि आप में कैपेबिलिटी है और आप 30 मार्क्स ले सकते हो, आप उन बच्चों में से हो जो कि चाहते हैं सीरियसली हमें नॉलेज भी गेन हो और हमारे मार्क्स भी अच्छे आए, तो आई एम विद यू। मैं आपकी प्रिपरेशन कराने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो आज मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स बता रही हूँ, आप वहां से स्टार्ट करना शुरू करिए अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम को और आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ दिनों में ही बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो आर यू रेडी फॉर मी और नॉट? रेडी है तो चलिए सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। भाई देखा जाए तो सबसे पहली शुरुआत हमारी लैब विजिट से होती है कि लैब के बारे में भी हमें मालूम है, हमारे कहाँ स्कूल में कहाँ पर लैब बनी हुई है, केमिस्ट्री लैब कहाँ पर है, फिजिक्स लैब कहाँ है, या और भी मैथ्स वगैरह की लैब्स हैं तो वो कहाँ बनी हुई है। आपने विजिट किया भी है अपनी लैब को या नहीं किया है? कई स्कूलों में मैंने ध्यान दिया है, नोटिस किया है कि लैब ही नहीं दिखाई जाती है, एग्जाम के दिनों में लैब विजिट कराई जाती है। कहीं आप उनमें से तो नहीं है? यदि आप उनमें से हैं या नहीं, जो भी है, लेकिन आपको लैब में जाकर जरूर देखना चाहिए कि भाई हमारे लैब में क्या क्या सामान है, वहां पर किस कॉर्नर में टेबल लगी है, कहाँ पर सिंक लगा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि आप अच्छे से जानते हो, आप स्टेप 1 कवर कर चुके हो, यदि आपके टीचर सीरियस हैं सब बारे में, तो नेचुरली आप ये स्टेप कवर कर चुके हो कि आप लैब में जा चुके हो और लैब के बारे में आपको काफी जानकारी है कि लैब के किस कॉर्नर पर रिएजेंट्स पड़े होते हैं और कहाँ पर नल वगैरह लगा है टेस्ट ट्यूब धोने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि लैब विजिट की है या नहीं की है। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछते जाइए और यदि इनमें से आपके आपका टिक होता जा रहा है कि हाँ आपने स्टेप 1 कर दिया, देन मूव टू द स्टेप 2। दूसरा स्टेप ये है कि भाई आपको डिफरेंट एपरेटस के नाम वगैरह याद हैं कि नहीं। यदि आपके टीचर ने आपको एपरेटस की जानकारी दी है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं आपके ऊपर। यदि बाई चांस थ्योरी वगैरह के चक्कर में ही रह गया है सब कुछ, इनिशिएटिव लेना कि हम एपरेटस के बारे में बता ही नहीं पाए, तो थोड़ा सोचने की बात है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसमें। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी टाइम है कि आप जल्दी से कुछ कवर अप कर सकते हैं इन चीजों को। वैसे तो देखा जाए सीरियस मामला है कि आपको प्रैक्टिकल्स नहीं कराए गए, लेकिन यदि कराए गए हैं और आपको एपरेटस के नाम याद नहीं है तो ये आपकी गलती है कि आपको एपरेटस के नाम ही याद नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान ये भी रखना है कि भाई यदि हमें लैब मालूम है, वहां पर क्या चीजें रखी हैं वो मालूम है, तो हमें एपरेटस के नाम भी याद होने चाहिए, वो क्या काम करते हैं वो भी याद होने चाहिए। कोई भी एपरेटस उठाकर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये क्या है ये बताओ। पता है कई बार तो ऐसा होता है कि स्पैचुला होती है जिससे हम सॉलिड को ट्रांसफर करते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं कि ये चम्मच है, या चाइना डिश को क्या कह देते हैं, कटोरी है ना। ये बहुत फनी आंसर्स हो जाते हैं और एग्जामिनर बहुत हंसता भी है और नंबर भी काट लेता है। क्यों भाई? उसको समझ आ जाता है कि आप कभी लैब में गए ही नहीं, आपने इन चीजों को देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं उनके नाम को। तो झटपट से क्या करो, एक मैंने लैबोरेटरी एपरेटस की इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो डाल रखी है,
प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना 11th एंड 12th की स्पेशली। वैसे मैंने 12th वाले में मैं उसे डाल दूंगी प्लेलिस्ट में, उसको चेक कर लेना, उसको जरूर देख लेना यदि आपने ऑपरेटर्स के नाम अभी तक याद नहीं किए। और जिसने कर लिए वो स्टेप टू भी उसका क्लियर हो चुका है, वो आगे बढ़ जाए। तीसरा स्टेप है अब उन बच्चों के लिए जिनके स्टेप वन स्टेप टू हो चुके हैं, वो अब क्या करें, अब वो थोड़े सीरियस स्टडी में आ चुके हैं कि अब उन्हें जानकारी है लैब वगैरह के बारे में, रिएजन के बारे में। अब वो उन छोटी मोटे हंसी मजाक वाले क्वेश्चन पर जो एग्जामिनर हंसी में उड़ाता है ना कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, टाइटेशन वगैरह कुछ नहीं आती, तो चलो एपरेटस भी देखा है तुमने, कभी नहीं देखा, ऐसे मजाक करके पूछते हैं वो। तो आप उससे निकल चुके, आपको वो चीजें पता है, वो सब मालूम है। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सीरियस पार्ट पर कि अब आप सबसे पहले टाइटेशन से पढ़ना शुरू करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस से कभी स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइटेशन आपकी दो ही है कोर्स में, एक KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, एक KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, और दोनों ही मिलती हैं। एक यदि इवन एक बैच में यदि KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिल गई है तो दूसरे बैच में मोर्स की मिल जाएगी, या फिर ऐसा भी होता है कि ऑड एंड इवन नंबर करके दे देते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी टीचर किस पर कि वो पूरे बैच को एक जैसा दे रही है या फिर मतलब दे रहे हैं या फिर अल्टरनेट ऑड एंड इवन नंबर्स को दे रहे हैं, पर मिलेंगी दोनों। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 8 नंबर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका तैयारी तो पहले ही कर लीजिए क्योंकि आपको मालूम है ये दो तो मिलने ही वाली है। तो इनके जो जैसो जो कॉपी में आप लिखते हैं ना चीजें कि एम, रिएक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड, एंड पॉइंट, वेट कैलकुलेशन, ये सारा कुछ मटेरियल याद कर लीजिए वहां पर, ताकि आपको पेपर बना बना के चीटिंग ना करनी पड़े। और स्पेशली केमिकल रिएक्शन को तो वाई हर्ट याद करिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो वाइवा में भी पूछी जाती है। इससे टाइटेशन से एंड पॉइंट मैंने वाइवा वाइज का क्वेश्चन डाले हुए, वो आप चेक कर लेना, उसमें केमिकल रिएक्शन ये बाकी सब पर क्वेश्चन मैंने डाल दिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन पर को तो आपको याद करना ही है, वो लिखवा कर ही देखते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। अब आपने ये तैयारी यदि कर ली है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, तैयार हो चुके हो, टाइटेशन आपको पूरी बाई हर्ट याद है, रीडिंग याद नहीं करना क्योंकि वहां पर मोलारिटी अलग मिल सकती है, एग्जामिनर अलग दे सकता है, वो आपको वो रीडिंग याद करके चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो पकड़े जाओगी, क्योंकि रीडिंग्स चेंज होंगी वहां पर, फिर आप पुरानी रीडिंग लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो आप चीटिंग करके नहीं करेंगे, आप उसको मतलब उसकी टाइटेशन करके और वॉल्यूम निकाल कर वो रीडिंग वहां पर फिल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप ये पूरा प्रिपेयर कर चुके हो, तीसरा स्टेप भी आपने क्रॉस कर लिया है, 8 नंबर आपके यहाँ पर गेन हो चुके हैं आपकी कॉपी के, अब हम चलते हैं सॉल्ट एनालिसिस और उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। एक्चुअल में सॉल्ट एनालिसिस बहुत बड़ा काम है, फंक्शनल ग्रुप जैसे मिलते ही मिलते हैं, कोर एक्सपेरिमेंट एक आपको मिलेगा ही 4 नंबर का, और 8 नंबर का आपको सॉल्ट एनालिसिस जरूर मिलेगा। तो आप मतलब उसमें मेन मेन चीजें याद कर लीजिए, जैसे आपके टीचर ने आपको अमोनियम कराया है, लेड कराया है कैटायन में, या और इस टाइप के 3-4 और कैटायंस जो इम्पोर्टेंट करा दिए होंगे उन्होंने आपको, जो देने वाले होंगे। 10 सॉल्ट एनालिसिस कराई जाती हैं, उनमें से कुछ कुछ रिपीट होती रहती हैं, जैसे अमोनियम बहुत ज्यादा रिपीट होता है, लैड बहुत रिपीट होता है, तो उनके जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना उनको अच्छे से याद कर लीजिए। कि अमोनियम के लिए जैसे हम नेस्लर रिएजेंट टेस्ट करते हैं, क्लोराइड के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं, और रिंग टेस्ट हम नाइट्रेट के लिए करते हैं। तो ये जो बाय नेम कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट है ना उन्हें तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बाय नेम भी टेस्ट पूछे जा सकते हैं, और आपके यदि नाइट्रेट है आपके सॉल्ट में तो आप रिंग टेस्ट तो लिखोगे ही लिखोगे, और वो जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा एग्जामिनर। तो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है उनको याद करना शुरू कर दीजिए। अब आप 3 स्टेप क्रॉस कर चुके हो तो अब आप क्या करो, टेस्ट याद करने शुरू कर दो। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जरूर मिलती है, एक यदि आपके स्कूल में 2 बैच बन रहे तो 1 बैच में फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस मिलेगी ही मिलेगी। और वैसे भी कोर एक्सपेरिमेंट काफी कट हो गए हैं, तो फंक्शनल और 2-3 ही रह गए हैं, तो इनमें से इसके 100% चांस है कि ये मिलेगा। सिमिलरली
फंक्शनल ग्रुप में भी आप क्या करोगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के लिए हम टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं, फैलिंग टेस्ट करते हैं, या अल्कोहल और एसिड्स के लिए हम एस्ट्रा टेस्ट करते हैं, फिनोल के लिए हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लिवरमेन टेस्ट कर लेते हैं। उन इम्पोर्टेंट टेस्ट को बाय हर्ट याद करना शुरू कर दो। एंड दीज फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी पार्ट ऑल्सो। तो आपका 2-in-1 काम हो जाएगा, आप फंक्शनल ग्रुप यहाँ के लिए भी तैयार कर लोगे, आप थ्योरी के लिए भी तैयार कर लोगे, तो आपका दोनों जगह का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि भैया यदि ये भी तुम्हारा तैयार हो गया, 1-2 दिन में आपने इसे भी तैयार कर लिया, अपनी डायरी में लिखते जाओ, जो मैं स्टेप बता रही हूँ उनको लिखते जाओ और एक एक स्टेप कवर करते जाओ उसका। यदि आपका ये स्टेप भी हो गया है तैयार 1-2 दिन करने के बाद, तो अब आ जाओ भैया, लास्ट अब तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी, वाइवा वॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करना शुरू कर दो। अब आप कर सकते हो वाइवा के क्वेश्चंस तैयार। कभी भी वाइवा के क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करना शुरू नहीं कर देते कि प्रैक्टिकल तो याद नहीं है और वाइवा के क्वेश्चन याद करने शुरू कर दी, वो कभी भी समझ नहीं आएंगे कि ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक आपके जो कॉपी पे लिखने वाला मटेरियल है वो अच्छे से तैयार नहीं होता, आपको वाइवा में भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। अब वाइवा क्वेश्चन करना बहुत आसान है, मैंने 5-6-7 वीडियोस डाल दी हैं हर पार्ट पर, सॉल्ट एनालिसिस पर डाल दी है, टाइटेशन पर डाल दी है, अब फंक्शनल ग्रुप की डाल रही हूँ, जैसे आज डाली है और 1-2 कल डालूंगी और फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस पर। इस टाइप से मैं आपको पूरी सीरीज दे रही हूँ वाइवा क्वेश्चन की, जो आप उस प्रैक्टिकल के साथ साथ तैयार कर सकते हो। तैयार करते जाओ उन क्वेश्चन को, बहुत आसान हो जाएगा बिल्कुल। जब तक आप 5-6 दिन लगाओगे इसे करने में, जब तक आपके प्रैक्टिकल की डेट्स आएंगी, तब तक आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, बहुत आसान होने वाला है यदि आप एक एक स्टेप तैयार करते चले जाते हो मेरे साथ। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप जिससे आपका प्रैक्टिकल पार्ट पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये मैं बिफोर प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ, अभी जब आपकी प्रैक्टिकल डेट्स आनी शुरू होंगी देन मैं आपसे एक बार फिर बात करूंगी कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है वाइवा को, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर के सामने। फिर हम एक बार फिर मिलेंगे इन्हीं और स्टेप्स के साथ कि आपको 30 में से 30 मार्क्स दिलाने में आपकी प्रेजेंटेशन कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए, गारंटी विश्वास रखिए मेरे ऊपर कि आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आप अपनी मेहनत से अपने 30 मार्क्स गेन कर लोगे। ओके, तो ये तो था मेरा वाइवा के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में और पूरे स्टेप्स के बारे में पूरी डिटेल। अब मैं कल आपका 31 जनवरी को ही 9 बजे सुबह क्रिएटिव कॉर्नर होने वाला है, आप उसको भी नहीं बिल्कुल भूलेंगे, ज्वाइन करना, क्योंकि बेटा जैसे आपका एकेडमिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। आप ऑलराउंडर बनना चाहते हो यदि अपनी कैरियर वाइज, अपनी पर्सनैलिटी वाइज, तो आप अकेडमिक में स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, और वही मौका आपको मिल रहा है अनअकैडमी के साथ, जो कि कल ही होने वाला है, 31 जनवरी को 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए संडे को रखा गया, आप 1-2 घंटे की बात है, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, जो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो मेरे को आना चाहिए था, ये मेरी, इसने मेरी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट को और बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक है, और आप मेरे को जरूर बताएंगे कि आपको बहुत हेल्पफुल रहा है। क्या करना है आपको, जो नए हैं चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए, वो नए आया कोई हो तो वो पहले क्या करेगा, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करेगा, फिर लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, लिंक से ज्वाइन करेंगे और फिर गोल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा गोल, क्रिएटिव कॉर्नर, क्रिएटिव कॉर्नर का गोल सेलेक्ट करेंगे एंड देन इनवाइट कोड डालेंगे DSL क्लासेस, और इससे आप वहां पर अनलॉक हो जाएंगे एंड ज्वाइन कर पाएंगे आप क्लासेस को, क्रिएटिव कॉर्नर को, एंड देन देखिएगा आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
जरूर ज्वाइन करना। कब होने वाला डेट याद है ना? कल संडे को 9 बजे शुरू होगा प्रोग्राम, ये जरूर देखना। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।